अभ्यास जब हम करेंगे तो क्या क्या लाभ होगा और वो हमारे बीमारियों को कैसे दूर करने में सफलता हमें मिलती है, हम उस अभ्यास को करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए, किसी भी प्राणायाम को जब करते हैं तो एक आसन में बैठ जाते हैं सिद्धासन में, और इसमें अब दाहिने हथेली को ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ को तर्जनी तर्जनी को, अब जो अंगूठा है ये अंगूठा को दाहिने नाक पे रखिए, बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए, बाएं नाक से, फिर बाएं नाक को बंद करिए और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस छोड़िए। हम लोगों को भी आ जाए, उनका भी आ जाए, आवाज नहीं, और धीरे धीरे सांस भरिए, बाएं से लेना, दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, और बाएं से छोड़िए, खाने वाला हाथ से उठा करके बाएं नाक से सांस ले रहा है, दाहिने से छोड़ दे रहा है, अब पुनः दाहिने से दाहिने नाक को बंद कर दे रहा है, बाएं नाक से धीरे नाक से हमारे पूरा सांस जाता है, हमको इंगला ये जितने भी तनाव अनुलोम विलोम करने से सिर का दर्द, कैसा भी सिर का दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, 10 से 15 मिनट तक आप खत्म हो जाएगा। अनेकों लाभ है, सफाई होता है, शोधित होता है, ये इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। लेते रहिए सांस को, लंबा लंबा सांस को लेते रहिए, बाएं से लीजिए, दाहिने में छोड़ दीजिए, दाहिने से पूरा लीजिए तो बाएं में छोड़ दीजिए, आँख बंद, ध्यान सांसों के ऊपर टिका हुआ, मन बिल्कुल शांत, ये सोचना है कि हमारे शरीर के अंदर से तमाम जितनी भी व्याधियां है के उस विराट महिमा को ध्यान करते हुए, उस विराट माया को ध्यान में रखते हुए, आपकी परंपरा, आपकी ज्योति अनंत है और हम अनंत ज्योति के धीरे धीरे सांस भरते रहिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहिए, इस अभ्यास को ठीक समझ गए आप लोग, इस अभ्यास का क्या नाम है, अनुलोम विलोम, देखिए
ध्यान से हो।